मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एक सजातीय श्रेणी बनाते हैं जिसका सामान्य सूत्र है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र है CnH2n+1 OH, ठीक है, या इसको लिख देंगे R बॉन्ड OH, ठीक है। R एक एल्किल मूलक है। इस श्रेणी के यौगिकों को तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल्स, वे अल्कोहल जिन्हें प्राथमिक कार्बन परमाणु से परमाणु जो है वो कार्बन परमाणु से वन और से OH जो मूलक है OH जो मूलक है और अन्य दो हाइड्रोजन परमाणु वो जुड़े रहते हैं, या वे अल्कोहल जिनमें प्राथमिक कार्बन परमाणु पर वन से OH मूलक और अन्य दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। इनमें क्रियात्मक जो समूह है वो क्रियात्मक समूह होता है CH2OH, ठीक, तथा इनका जो सामान्य सूत्र है वो है R बॉन्ड CH2OH। जैसे उदाहरण में देखेंगे, यहाँ पर उदाहरण में देखेंगे H सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये मेथिल एल्कोहल है। ये कौन सा है? मेथिल एल्कोहल, ठीक। इसी प्रकार CH3CH, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा CH2OH, ये रहेगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसी प्रकार एक और उदाहरण है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हो जाता है प्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा है द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। इनमें जो द्वितीयक एल्कोहल है उसमें OH मूलक द्वितीयक कार्बन परमाणु जो सीधे ही दो कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है ना, तथा इस कार्बन परमाणु पर केवल एक अन्य हाइड्रोजन परमाणु होता है। इनका क्रियात्मक समूह द्विसंयोजक जो है CHOH होता है, तथा इसका जो सामान्य सूत्र है वो सामान्य सूत्र है R सिंगल बॉन्ड CHOHR है, ठीक है। जैसे यहाँ देखेंगे इसका उदाहरण में CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसको कहते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तृतीयक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में तृतीयक जो अल्कोहल है टर्शियरी अल्कोहल्स, इसमें OH जो मूलतः मूलक जो है वो तृतीयक कार्बन परमाणु जो अन्य तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इनमें क्रियात्मक समूह का जो त्रिसंयोजक है वो होता है COH, ठीक है। इसमें COH जो होता है वो इनका जो सामान्य सूत्र है वो है R1 R2 R3, ये तीनों जुड़ा रहेगा। उसके बाद आता है C रहेगा और ये सिंगल बॉन्ड OH है, ठीक, ये बॉन्डिंग है, ये उसका उदाहरण है। इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं? टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। इसके लिए देखते हैं ये टर्शियरी जो ब्यूटिल एल्कोहल है H3C, ये सभी कार्बन से जुड़ा है, कार्बन OH से है, ये टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल कहलाता है। अब देखते हैं एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। एथिल एल्कोहल और एथेनॉल, ये इसका जो अणु सूत्र है एथिल एल्कोहल का अणु सूत्र वो होता है C2H5OH, ठीक है। ये एथिल एल्कोहल या एथेनॉल का C2H5OH होता है। इसका जो संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र भी देख लेते हैं। संरचना सूत्र जो एथेनॉल का, उसका जो संरचना सूत्र है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है,
इसे 3 हाइड्रोजन एच एच और एच ये जुड़ा है, ठीक, इससे 2 हाइड्रोजन एच एच ये जुड़ा है, और इसमें एल्कोहल जो है वो जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है, ठीक है, ओ एच हाइड्रोक्सिल समूह है। तो ये 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन है और इसमें 2 कार्बन है और हाइड्रोक्सिल समूह है, ये C2H5OH होता है। इसे ये संरचना सूत्र है, सामान्य सूत्र है। तो यह एल्कोहल श्रेणी का महत्वपूर्ण सदस्य है। एल्कोहल युक्त पेय द्रवों जैसे शराब है, सोमरस है, द्राक्षस है आदि का प्रमुख अवयव एथिल एल्कोहल होता है। एथिल एल्कोहल संयुक्त अवस्था में एस्टरों के रूप में फलों व पौधों के सुगंधित तेलों में भी पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एथिल एल्कोहल बनाने की जो विधियाँ हैं, एथिल एल्कोहल बनाने की विधियाँ, मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एथिल एल्कोहल। इसका पहला जो प्रयोगशाला विधि देखते हैं, प्रयोगशाला विधि में क्या है, एथिल आयोडाइड, जो एथिल आयोडाइड है वो C2H5I, ये एथिल आयोडाइड की एक निश्चित मात्रा को एक फ्लास्क में लेकर उसमें कास्टिक पोटास जो है, कास्टिक पोटास KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, KOH है, का जली विलयन या सिल्वर ऑक्साइड का जली विलयन धीरे धीरे डाला जाता है। अभिक्रिया के अंत में एथिल एल्कोहल तथा पोटेशियम जो आयोडाइड है KI या सिल्वर आयोडाइड है AgAi है ना, वो बनता है। इस मिश्रण के आसपास से एथिल एल्कोहल को पृथक कर लिया जाता है। जैसे इसमें देखते हैं C2H5I, ये क्या है, ये है एथिल आयोडाइड प्लस पोटेशियम जो हाइड्रोक्साइड है KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं कास्टिक पोटास, इसको मिलाकर अभिक्रिया जब कराई जाती है तो अभिक्रिया जब होता है तो C2H5OH प्राप्त होता है, ये एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है प्लस KI जो है यानी पोटेशियम आयोडाइड वो अलग हो जाता है। इसी प्रकार C2H5 प्लस सिल्वर हाइड्रोक्साइड है AgOH, वो अभिक्रिया जब होता है तो उसमें होता है C2H5OH ये अलग हो जाता है और सिल्वर आयोडाइड वो अलग हो जाता है, ये पीला अवक्षेप इसका प्राप्त होता है, पीला अवक्षेप ये बनता है, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड पीले अवक्षेप के रूप में फ्लास्क में नीचे बैठ जाता है जिसे आसवन से पहले छानकर अलग कर लिया जाता है, ठीक। अब देखते हैं एथिल एल्कोहल बनाने की जो सामान्य विधियां हैं, एथिल एल्कोहल बनाने की जो सामान्य विधियां हैं उसमें पहला देखेंगे एथिल एल्कोहल बनाने की सामान्य विधि, एथिल एसीटेट के जल, इसमें एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट के जेल, ठीक, ये सामान्य विधियों को जेल अपघटन से, घटन से एथिल एसीटेट के जेल अपघटन से ये सामान्य विधि में इसको पहला देखेंगे, ठीक। एथिल एसीटेट के जेल अपघटन से एथिल एसीटेट को जेली KOH पोटेशियम जो हाइड्रोक्साइड है ना, विलयन के साथ गर्म करने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो एथिल एसीटेट के लिए देखते हैं CH3COOC2H5 ये एथिल एसीटेट है प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना कास्टिक पोटास, उसके साथ जब गर्म किया जाता है विलयन के साथ गर्म करते हैं ये दोनों विलयन को मिला करके, तो ये क्या होता है CH3COK प्लस C2H5OH प्राप्त होता है, ये एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरा जो विधि है, दूसरा समान जो एथिल एल्कोहल बनाने की जो सामान्य विधि है उसमें है एथिल एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया, क्या है, एथिल एमीन पर, एथिल एमीन पर नाइट्रस, नाइट्रस अम्ल की जो क्रिया उससे होता क्या है, तो इसमें क्या है एथिल एसीटेट जो है C2H5NH2 प्लस HN
O2 ये नाइट्रस अम्ल है। तो इसमें क्या है, इसका जब अभिक्रिया जब होता है तो ये प्राप्त C2H5OH प्राप्त हो जाता है, प्लस नाइट्रोजन अलग हो जाता है इनटू प्लस H2O ये अलग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार इसका जो तीसरा विधि है, जो तीसरा विधि है वो है एसीटाल्डिहाइड है वह एसीटाल्डिहाइड व एसीटिल क्लोराइड के सोडियम अमल गम, जो सोडियम अमल गम तथा जल या निकल द्वारा उत्प्रेरक, जल निकाल उत्प्रेरक द्वारा अपचयन से, अर्थात इसमें कहा जा रहा है एसीटाल्डिहाइड जो होता है ना, एसीटाल्डिहाइड व एसीटिलीन क्लोराइड, एसीटाल्डिहाइड व एसीटिलीन क्लोराइड से सोडियम अमलगम तथा जल या निकल द्वारा उत्प्रेरित अपचयन से यह अभिक्रिया जो होती है उसमें एसीटाल्डिहाइड के लिए देखते हैं CH3COCl+4H ये है, और निकल जो है ना, निकल बोलते हैं है ना, वो जल या निकल के उत्प्रेरक जो है उसके अभिक्रिया द्वारा ये होता है CH3CH2OH जो इथिल अल्कोहल बनता है प्लस HCl वो अमला अलग हो जाता है। इसी प्रकार इसी में एक और अभिक्रिया है CH3CH3HO ये है एसीटाल्डिहाइड +2H ठीक है, ये है सोडियम या हल मरकरी उसके ये जल है, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये बनता है CH3CH2OH, ये OH है ये बनता है ना, तो ये है एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार फिर चौथा जो अभिक्रिया है, चौथा में देखते हैं, चौथा है डाई एथिल ईयर अधिक दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा जल अपघटन करके, अर्थात चौथा है जो डाई एथिल ईथर है CH2 C2H5O C2H5, ये डाई एथिल ईथर है C2H5O O C2H5, ये डाई एथिल ईथर है, ये है HOH इसके साथ अभिक्रिया करेगा, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है ये तनु H2SO4, और दाब में अर्थात डाई एथिल ईथर का अधिक दाब और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा जल अपघटन जो होता है उसके द्वारा बनता है ये C2H5OH बनता है। ठीक है, इसी प्रकार पांचवा जो देखते हैं वो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक या फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया के द्वारा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के फार्मेल्डिहाइड CH3MgBr, इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है ना, CH3MgBr के प्लस ये हो जाएगा C2OH, ये अभिक्रिया करके ये फार्मेल्डिहाइड है और ये अभिक्रिया करके बनता है CH3CH2OMgBr, इसको बोलते हैं योगात्मक यौगिक, ये क्या है योगात्मक यौगिक है, और ये अभिक्रिया फिर आगे होगा CH3CH2OH इसके साथ है, ये आपको प्राप्त होगा। फिर इसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट अगला क्लास में, औद्योगिक निर्माण।